सो गाइस, ईटिंग दिस सिंस हाफ एन आवर और 40 मिनट्स. जस्ट स्क्रोलिंग ऑन द इंस्टाग्राम, जस्ट सॉ अ पोस्ट लाइक ऑफ द गूगल सुरेंद्र पिचाई. लाइक इन पास्ट ही वॉज लाइक हैविंग नो फोन, नो टेलीविजन. नाउ इज अ सक्सेसफुल पर्सन. जस्ट थॉट दैट इफ आई हैव माई किड्स, आई विल जस्ट सी दैम. सक्सेस इज नथिंग. Just the thing is, it need hard work, dedication. But if you do the both, what your memory is just for yourself and not for everyone, then it's useless. So you need hard work and dedication, but along with that, you also need positive thoughts for everyone. And egoless behavior. Just similar to that thing I was thinking. Once I think, I don't think the same. Or I just forgot it. That's why I want to record it. I don't know why. But yahi truth hai mere bhai. It's really hard to eat, yeah. Then what I thought is like, I'm eating this. Raw, just cut up the outside and eating the inside. And the sprouts which just put up in the water for one night and then eating it, no boil, nothing, just raw. मैंने ये beet खाली बाहर का निकाला है, अंदर का मैं खा रहा है. और ये जो मूंग, उसको बस एक रात को भिगाया है और अभी सीधा पेट के अंदर जा रहे हो. चालीस मिनट हो गया मैं खा रहा है अपने मुंह से. सो द थिंग इज नो टेस्ट. नाउ इट्स फीलिंग इरिटेटिंग मैन. बहुत ही गुस्सा आ रहा है मुझे ये खाते हुए. No taste, nothing. But the real thing is, there are million of people out there who don't even getting food to eat. No proper food to eat. They are eating whatever they are getting. Then how can I pleasantly eat these things, whatever is made for me? That is another thing. If there was a food for me, then I may have eaten that. But I don't have it. And I don't even have the dal to make a dal. Lakho karodo loge. Jo hai na, aise hi baithe. Khali pet soye. Aur mere ko ye khate hue gussa aa raha hai. कच्चा खा रहा है मैं, कच्चा खा रहा है. मेरे पास है भी नहीं खाना, दाल भात नहीं है, दाल नहीं है दाल बनाने के लिए, तो ये ही खा रहा मैं. लिव लाइक अ मॉन्क. These are the wants. We have the power to have it, whatever we want. But we dissolve our wants. That is the greatness of a human being. To come up with the limitation of human body and be with the whole, which is your soul.
यही वो चीज है, मेरे को चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, खा सकता हूँ, मंगा सकता हूँ, लेकिन जो भी है वही खाने का, अपनी ताकत पा सकते हैं हम, हमारे पास इतनी ताकत है हम मंगा सकते हैं हम, लेकिन अपनी इच्छा को भूल जाने का और सादा सन्यासी के भांति जीने का। वो सोच हमें एक इंसान नहीं, एक आत्मा जैसे जीना सिखाएगी। वो बहुत बहुत कठिन है, बहुत नामुमकिन है वैसा जीना, मैं बोल नहीं रहा हूँ, हमें वैसा जीना है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अपने इच्छाओं को नियंत्रण में करना, ज़्यादा शरीर के बारे में मत सोचो। हालांकि हम सोच ही लेते हैं, वैसा हमारा नेचर है। सालों इस शरीर में कैद रहने के बाद हम खुद को शरीर ही मान लेते हैं। उस सोच से ही उठना है और आत्मा जैसा रहना है। हम इमॉर्टल है, चिरंजीवी है हम। बस बदलते रहते हैं। वी आर द इम्पोर्टेंट बींग्स हु लिव इन दिस वर्ल्ड। जस्ट द थिंग इज वी चेंज अप आवर बॉडी, अ ह्यूमन बॉडी टू लिव जस्ट लाइक द वे वी चेंज अप क्लोथ्स। ये तो बहुत कॉमन था, लेकिन आपको ये पता है कि ये मोमेंट पे आप इस वक्त ये शरीर को छोड़ के किसी पक्षी या किसी और के शरीर में भी जा सकते हो, और ये बहुत ही कॉमन ह्यूमन पावर है, या ये कॉमन बहुत कॉमन चीज़ है टू ये शरीर से, अपने खुद के शरीर से दूसरे किसी के भी शरीर में जाना। बस वो इंसान सोया हुआ रहना चाहिए। यू नो द वाइब, यू नो द थिंग, यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम दिस ह्यूमन बॉडी टू अ बर्ड और एनी एनिमल और एनी अदर ह्यूमन। यू आर अ सोल, यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ह्यूमन बॉडी टू अनदर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम एज यू आर हियरिंग माई वर्ड्स, एंड दैट इज द
वेरी मच कॉमन ह्यूमन पावर और सोल पावर. बट वी डोंट नो द वे वाई, बिकॉज वी आर टू अटैच टू दिस ह्यूमन बॉडी. दैट्स वाई वी आर जस्ट इन दिस. बट द थिंग एंड वेन द टाइम कम्स एंड वी गो बियॉन्ड दिस एंड वी हैव दैट टाइप ऑफ नॉलेज एज वेल, इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ ईजी एंड एनी वन कैन डू दैट. डू दैट I'm not feeling like eating this. It's too hard. At least the camera is on, so from that thing, at least I have some willpower getting from this side to eat this. I'm done. Focus on breath. Focus on breath. I don't know why.